इनविटेशन तुमको भेजा था, तुम आए ही नहीं. मुझे बहुत बुरा लगा. मेरी पूरी फैमिली हमेशा तुम्हारे शो पे आती है, तुमसे मिलने आती है. जब भी मैं आती हूँ पूरा खानदान लेकर आती हूँ मैं. हाँ, लेकिन तुम शादी पे नहीं आए. मैं तो घोड़ी पे आना चाहता था. अब मैं समझी, इसलिए कपिल पहुंच नहीं पाया. नहीं, मेरे को ना एक बड़ी क्यूरियोसिटी, देखो प्रियंका चोपड़ा की शादी है, दूसरी ये कि निक जोनस के साथ है, तो मैं जानना चाहता था, जैसे आपकी बारात अमेरिका से आई थी, अंग्रेज कोई था ऐसा जो जमीन पे लटके नागिन डांस करते हैं? कोई गोरे लोग करते होंगे कि नहीं? पर निक का कोई फूफा फूफा नाराज हुए थे शादी में? लेकिन ऑलमोस्ट लड़ाई हो गई थी जब मिलनी होती है ना. जैसे हम लोग बड़ा पंजाबी कल्चर सिखाने की कोशिश कर रहे थे कि मिलनी वगैरह होगी तो क्या यू नो बुआ बुआ से मिलती है और फूफा फूफा से मिलते हैं. तो हमने सबको बताया हुआ था कि यू नो एक दूसरे को उठाने की कोशिश करते हैं, हुआ हुआ होता है सबके बीच में. उन लोगों की लड़ाई होगी, बड़े सीरियसली लेने लगे वो लोग एक दूसरे के ऊपर जंप वंप करके, मतलब. और मैं यू नो मैं पर बड़ा रेयर कॉम्बिनेशन है, पंजाबी फैमिली सीधी दूसरी हॉलीवुड वाली फैमिली. लेकिन तो वो भी बहुत पंजाबी थी, लंबी चौड़ी तो फैमिली है ये. अच्छा. पहली बार ऐसा हुआ था, हम लोग फैमिली फोटो ले रहे थे, तो निक है, निक के मम्मी, निक के पापा, निक के चार भाई, मेरी जेठाई दोनों. अच्छा. तो सारी जेठानियां, तो सारी 8 लोग थे अबाउट, और मैं, मम्मी और मेरा भाई. हम तीनों ऐसे खड़े थे. वैसे प्रियंका तुम तो पहली बार इस सीजन में आई हो ना, लेकिन ये तुम्हारा नाम हमेशा लेता रहता है, लेकिन तुमसे ज्यादा वो निक को याद करता है. आई वांट टू शो यू. हां, मिले भी नहीं उससे. बहुत यार, अरे ये तो यार बदलू आदमी है, ये याद करते रहते हैं हम. देखो आपके प्यार है. जस्ट सी परी केसरी के लिए तो आपको बहुत बहुत बधाई है ही. हाँ जी. साथ में एक और बात की बधाई. हाँ जी. इम्पोर्टेड जीजा मिले आपको. प्रियंका चोपड़ा की शादी हो गई है. पर ऐसे जनता पूछ रही थी कि ये जो जब जूता चराई की रस्म होती है तो उसमें आपको इंडियन करेंसी मिली थी कि डॉलर मिले थे? दोनों. डॉलर मिले थे. इंडियन की बहुत करेंसी मिली, बहुत सारे डॉलर्स मिले और डायमंड्स भी मिले. अच्छा चलो. ये लाइन काट देना, कल को मेरी सालगिरह ना विद्रोह कर दे. हम तो दुआएं देके आए. परिणीति ने एक मूवी की थी. हाँ. हंसी तो फंसी. हाँ. तो परी आप इतना हंसती हो, कभी फंसी क्यों मेरे साथ? मेरे साथ फंसी होती आज मेरा सांडू निक जोनस होता. मैं बोलूंगा फिर लूट लिया अंग्रेजों ने हमें. परी ने बताया, बोलती ऐसे जब शादी हुई ना तो निक ने अपनी सभी सालियों को डायमंड वो सब दिए और डायमंड की अंगूठियां दी. हमें बता देती प्रियंका, हम तुम्हारी बहन बन के ही आ जाते उधर. दुपट्टा लेके डायमंड मिल जाता और क्या चाहिए. ये गलत हुआ, मैंने तो इसको कब से बहन बनाया हुआ था. अब सॉरी भाई, सेम थिंग. याद नहीं तुमको? ऐसी चीजें भूल जाते हो बस तुम. पर वही है, निक तेरा भी जीजा हो गया अब. वो तो नेशनल जीजू बन गया एकदम. अच्छा मुझे एक नॉर्मल बात पूछनी है. जैसे मेरी शादी हुई. हाँ जी. तो मैं सिलेंडर लेने खुद गया. हाँ जी. हलवाइयों से वो बातचीत चल. हाँ रही है. तो ये जनता जानना चाहती है, जो अमीर लड़कियों की शादी होती है आप कौन सी तैयारियां करती हैं फिर? अरे हमें भी तो सेम चीजें ही चाहिए होती हैं. तो मैं अपने हस्बैंड को भेजा सिलेंडर लेने के लिए. वो बेचारा अमेरिका से 10 दिन पहले आया जब, ताकि मैं शूटिंग कर सकूं मम्मी के साथ जाके. मेरे भाइयों ने, मेरे सारे कजन भाई जो थे, सब ने, मेरी पूरी फैमिली एकजुट के उन्होंने तैयारियां की ताकि मैं फिल्म की शूटिंग कर सकूं. पर ठीक है, प्रोडक्ट आपने ठीक चुना. करेक्ट ना? दोनों की जोड़ी भी प्यारी लगती. एक सेकंड लेकिन जी. मैं पहली बार आई हूँ इस नए घर में. जी. तुम सबसे सवाल पूछते हो. हाँ जी. मेरा हक बनता है एक बार तुमसे सवाल. अरे प्लीज प्लीज. ठीक है. तो रोज तुम सबको हंसाते हो. हम लोग सब कितने फैन है कपिल शर्मा के शो के, राइट? सब बड़े. मुझे ये जानना है कि अपनी बीवी को हंसा सकते हो कि नहीं? हंसती है तुम्हारे जोक्स पे? ग्लास टूटा ना. ऐसा तो नहीं हुआ. चलो ठीक है, उसको छोड़ दिया. अगर आंटी ने एक तरफ से घर से तुमको बुलाया कि कपिल, दूसरी तरफ से गिन्नी ने बुलाया कपिल, सेम टाइम पे, कहाँ जाओगे? ये अलग अलग होती नहीं, दोनों साथ में रहती. उन्होंने गिरोह बनाया हुआ है मेरी मम्मी ने. फिर बाद में मेरे पास आएगा. मम्मी ऐसा करो कि मेरे साथ नेशनल टीवी पे मेरी बेइज्जती. अच्छा अच्छा आंटी, फिर एक और सवाल. अगर खुदा ना खास्ता हो ना
लेकिन अगर आप में और गिन्नी के बीच में थोड़ी सी नोकझोंक हो जाए, हाँ जी, किसको मनाएगा ये पहले? पहले से वाइफ को मनाएगा ना. रियली? लोग बोलते हैं शादी के बाद लड़का बदल गया, लड़की, मेरी माँ ही बदल गई है. मैंने ऐसा कभी किया है मम्मी? वाह माँ, मेरे से बहुत प्यार करती है. शाबाश, सीख गई है मम्मी. अगले सीजन में आपको भी कास्ट करूंगा मैं. अच्छा एक और सवाल, एक और सवाल. मेरे से बहुत प्यार करता बेटा. तो फिर कोई कवर करने की जरूरत नहीं है. अभी जो बोल दिया आपने सच बोल दिया, ठीक है. अच्छा अच्छा एक और सवाल आंटी, आपको भी कंग्रेचुलेशंस. तुम भी मैंने सुना पापा बनने वाले हो. इतनी जल्दी क्या थी? इतनी जल्दी क्या थी? थोड़ा सबर नहीं कर सकते थे तुम? थैंक यू प्रियंका, तुम्हारी फिल्म आ रही, मेरी नहीं आ रही है. मेरी तो वाट लगा के रख दी आते ही, मैं क्या करूं. अच्छा अच्छा एक और सवाल, एक और. आज इधर आइए, इंटरव्यू हो रहा है. आप इधर आइए, बीच सड़क पे खड़े होइए. अभी मैं तुमसे तुम्हारी शादी से पहले मिली थी, करेक्ट? राइट. तो मैं उस कपिल को ज्यादा जानती हूँ, इसको जानूंगी एज द शो गोज अलोंग. तो अगर हाइपोथेटिकली तुमको दो चॉइसेस मिले, एक 2 करोड़ का चेक, ओके, और एक हॉलिडे इन मालदीव्स विद 6 हॉट गर्ल्स, हाँ, कौन सी चूज करोगे? मैं 2 करोड़ चूज करूंगा, क्योंकि सेम पैकेज मैंने 60,000 में रेंज कर लेना है. ओके एनीवेज, चेंज द टॉपिक. प्रियंका आपकी शादी मैंने देखा है, बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां आई थी, अमीर अमीर लोग, ऐसे अंबानी फैमिली और भी बड़े बड़े बिजनेसमैन. मेरे को ऐसी क्यूरियोसिटी थी जानने की, ये जो बड़े बड़े लोग आते हैं, ये जो शगुन का लिफाफा होता है उसमें कितने पैसे डालते हैं? हमारी शादी सिर्फ अबाउट 180 लोग थे, ज्यादा लोग नहीं थे. ओके. मोस्टली फैमिली, उसमें से 120 तो फैमिली थे. ओके. तो शगुन के लिफाफे आधे तो मिले भी नहीं हमें. आशीर्वाद बहुत मिले, आशीर्वाद बहुत मिले. अच्छा? वही तो चाहिए मुझे. वाह. नहीं मैंने इसलिए पूछा, मैंने कहा बड़े लोग हैं, क्या पता 2000 का नोट ही होता है इनके पास, 25,000 के छपवाए होते हैं इन्होंने. जैसे अर्चना जी मेरी शादी में आई ना, क्या तो इन्होंने लिफाफे में पैसे तो छोड़ो, उस पर लिखा हुआ था जो तुम्हारा दिल करता डाल दो. इन्होंने ये देखा. तो मेरे साथ तो ये हुआ है. एनीवेज प्रियंका, मेरे मन में बहुत सारे सवाल हैं. जैसे आप पहली बार आई शादी के बाद, हमारी जनता के मन में बहुत सारे सवाल हैं. तो ये लोग कह रहे थे कि जैसे प्रियंका आएगी हमें बात करनी, तो आप खुद ही कर सकते हैं जी. किन किन के सवाल थे जी? मैडम माइक दे दीजिए मैडम को. हेलो कपिल सर. हेलो प्रियंका मैम. हाय, माय नेम इज कृपा, आई एम फ्रॉम बॉम्बे एंड आई एम बिग फैन ऑफ यू कपिल. थैंक यू कृपा. मैम मुझे पूछना है, इंडिया में जैसे रस्म रहती है कि शादी के बाद सुहागरात को लड़कियां गरम दूध लेके जाते हैं अपने हस्बैंड के लिए, तो क्या आप भी अपने उनके लिए लेके गए थे? ओए, उनके लिए? एक्चुअली नहीं, मैं लेकर नहीं थी. मैं लैक्टोज इंटॉलरेंट हूँ ना, इसलिए. और वो भी लैक्टोज क्या होता? दूध नहीं अच्छा लगता. नहीं लेकिन ओके, इवन आई हैव अ लैक्टोज इंटॉलरेंट प्रॉब्लम. तो बट माय हस्बैंड हैड कम, आई हैड फोर्स्ड हिम. यू फोर्स्ड हिम? अरे बाप रे, परेशानी तो नहीं रात को? मैम पूरा दिन फास्ट था और फिर रात को गर्म दूध, तो प्रॉब्लम तो होगी. ओए वही तो, मुझे वो प्रॉब्लम नहीं चाहिए. डू यू हैव एनी आइडिया कि क्यों पिलाते हैं गर्म दूध? एक तो आदमी सारा दिन शादी में वैसे नहीं खा पी पाता अपने शादी में, ऊपर से दूध पिला दो गर्म और गैस हो जाए. तो आदमी तो बेडरूम से लेके टॉयलेट के चक्कर काटता रहे. आपने फिर दूध पिया, आपको गैस वैस तो नहीं हुई इससे? सर हुई ना गैस, हुई. दूध हजम नहीं होता, लैक्टोज इंटॉलरेंट. अगर कल को काम ज्यादा खराब हो जाता, दुल्हन तो पहले दिन छोड़ के भाग जाती, दूल्हा बड़ा. तो ठीक है, चलिए धन्यवाद. और कोई हमारे दोस्त मेहमान जो प्रियंका से पूछना चाहते हो? जी मैडम माइक दे दीजिए उनको. हाय कपिल. हाय अर्चना जी. हाय प्रियंका. हाय. मैं आपके ससुराल से आई हूँ. अमेरिका से आई आप? यस सर. वाओ, बहुत बहुत स्वागत है आपका. 19 साल में निक जोनस मुझे तो कहीं नजर है, आपको कैसे मिल गया? मैं तो दलास से हूँ, मैं तो असली उसके गाँव से हूँ. निक भी डालस से? आप तो सच्ची में उनके गाँव से है.
वो डैलस जब बहुत छोटे थे तब छोड़ दिया था उन्होंने, बहुत छोटे थे तब थे वहाँ पे, लेकिन मैं उनसे मेट गाला पे मिली थी, तो शायद वहाँ का इनविटेशन चाहिए होगा। लेकिन अभी आपके फैमिली में और तो कोई होगा ना, उसका कोई बड़ा भाई, कोई आपकी फैमिली में? आई एम रेडी टू मैरी हिम। एक भाई बचा है बेचारा, आपका फोन नंबर दे देती हूँ मैं। हाँ, लेकिन वो 18 साल का है, चलेगा ना? आप सिल्वेस्टर स्टैलोन को घेरिए जाके। कपिल सर से मुझे एक क्वेश्चन करना है। यू आर द हीरो, नोबडी कैन रिप्लेस यू इन होल एंटायर वर्ल्ड। थैंक यू मैम, यू आर द बेस्ट कॉमेडियन ऑफ द वर्ल्ड। थैंक यू। मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं जो मैक्सिकन है, अच्छा जी, हमारे साथ काम करती है। जब हम बहुत स्ट्रेस होते हैं, हम आपका शो देखते हैं, मैं ट्रांसलेट करके उनको समझाती हूँ कि आप क्या कहना चाहते हो। तो वो क्या कहती है मैक्सिकन लड़कियाँ? आप, दे लव्स यू, रियली, दे लव यू, एंड दे आर प्रीटी टू। हाँ जी, दे आर प्रीटी टू। अच्छा, प्रीटी टू। तुम कहाँ नजर डाल रहे हो? नहीं, गिन्नी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आप आई, बड़ा अच्छा लगा, शुक्रिया। और कोई हमारे दोस्त जी? Hi, my name is Avinka. I'm from Germany. Hi, Avinka. And this is my first time visiting India. And I'm really overwhelmed by all the people and color, especially the traffic in Mumbai. The best. Wow, the same best. To you. Very best. Best. Yeah. So I wanted to ask you, you come back after such a long time. Do you get overwhelmed with it all? Like, do you forget sometimes how busy it gets and how colorful and cultureful it all is? I come back very often. मैं हर 3 महीने वापस आती हूँ. कपिल से नहीं मिलती, लोगों से शायद नहीं मिलती, लेकिन I am from Bombay, तो मैं तो नहीं भूल सकती बॉम्बे को. Thank you so much for this act of kindness. I hope you understood the whole question. Ouch! Otherwise, I can explain in another language. I shots are fired. German में बोल के बता. Oh, ich heiße Avinka, ich bin aus Deutschland. Oh, great, so great. Cool hier zu sein. हमारे लिए सारी लैंग्वेज सेम है. Achtung, Achtung, Krankenhaus. प्रियंका, आपको जर्मन भी आती है? हाँ, Achtung. छोड़ना मत कुछ दुनिया का, कुछ भी. सब कुछ पता है इनको. Thanks. Thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद. मैं कुछ, तुम इधर चलो मेरे साथ वापस. पर आज इतना मजा आ रहा है कसम से, आज प्रियंका, इतने सालों बाद मुलाकात हुई है. प्रियंका, ये बहुत बहुत स्वागत है आपका.